बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के पाठक और शिक्षक संघों की एक तरह से घमासान चढ़ गया है। इसे अघोषित शैक्षणिक युद्ध भी कह सकते हैं। एक तरफ के पाठक बिहार के शिक्षकों के लिए कई आदेश निकाल चुके हैं। इन्हीं आदेश में से एक आदेश को कुछ शिक्षक मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये आदेश मौलिक अधिकार का हनन है। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक चिट्ठी निकाली थी। इस चिट्ठी का था कि बिहार के शिक्षक सोशल मीडिया से जरा दूरी बनाकर रखे। के पाठक के इस आदेश पर एक शिक्षक ने तमीज पूर्व विरोध जताते हुए एक तरह से इशारों में उन्हें चुनौती दे दी है। ये शिक्षक है टेट संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम। अमित शिक्षकों की मांग को लगातार सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के जरिए उठाते रहते हैं, लेकिन हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक खत के जरिए ये तय कर दिया था कि अब कोई भी शिक्षक ना तो किसी संघ से जुड़ेगा और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर पर शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई अपडेट करेगा या बातें लिखेगा। टेट संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम को इसलिए एक चिट्ठी भेजी गई क्योंकि ये चिट्ठी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हवेली खड़गपुर मुंगेर की ओर से लिखी गई थी और उसमें अमित विक्रम से छुट्टियों के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर सफाई मांगी गई थी। इस पर शिक्षक की ओर से जवाब दिया गया। टेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष और टीचर अमित विक्रम ने इस चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में शिक्षकों को भी देश के आम नागरिकों की तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन आपके द्वार पत्र में उल्लेखित शिक्षा विभाग के खत से ऐसा मालूम होता है कि बिहार में शिक्षकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अन्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके आगे अमित विक्रम ने शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट जाने की बात भी इशारों में लिख डाली है। शिक्षक ने आगे लिखा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेरा बयान विभागीय आदेश के पूर्व का है, इसीलिए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए किसी भी कार्यवाही से मुक्त रखा जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की सम्मानित सरकार अथवा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षा विभाग के उक्त पत्र को खारिज कर दिया जाएगा। जब तक वह पत्र खारिज नहीं होता है तब तक मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मीडिया में अनर्गल प्रचार प्रसार ना करूं। जी हाँ, ये पत्र अमित के द्वारा लिखा गया है जो के पाठक को साफ तौर पर चुनौती दे रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।